मैदान जिंदाबाद, भीना मैदान सादिक जी पीछे आइए, शिवान का एमपी कैसा हो, मैडम जैसा हो, शिवान का एमपी कैसा हो, मैडम जैसा हो, शिवान का एमपी कैसा हो, बिना मैडम जैसा हो, शिवान का एमपी कैसा हो, बिना मैडम जैसा हो, बिना मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिना मैडम जिंदाबाद, बिना मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिना मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बिना मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, शिवान का एमपी कैसा हो, शिवान का एमपी कैसा हो, जिंदाबाद जिंदाबाद, 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 हीना दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हीना दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हीना मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हीना मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हीना मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवान का एमपी कैसा हो, मैडम जैसा हो, शिवान का एमपी कैसा हो, मैडम जैसा हो, शिवान का एमपी कैसा हो, क्या कहेंगे, शिवान का एमपी कैसा हो, मैडम जैसा हो, शिवान का एमपी कैसा हो, हीना दीदी जिंदाबाद, दीनदयाल नगर तुरहा टोली अभियान के लिए तस्वीर है, आगे से हट दिए, आगे से ये बरका मामा इधर से हटिए, इधर से और इधर से आके बरका मामा पहना, भैया बीच छोड़ के, रास्ता छोड़ के बीच का, भैया आगे सटी, आप लोग छेके मत आगे, आगे हीना साथ जिंदाबाद, हीना साथ जिंदाबाद, हीना दीदी जिंदाबाद, हीना दीदी जिंदाबाद, हीना मैडम जिंदाबाद, हीना मैडम जिंदाबाद, शिवान का एमपी कैसा हो, अपने वार्ड में, और मैं ये कहना चाहती हूँ अपनी जनता से कि इन्हें एक मौका दिया जाए, एक मौका आप लोग दिल से दीजिए ताकि ये आगे होकर के आए और हमारे सिवान का विकास करें, धन्यवाद। मैं पूरे सिवान और अपने वार्ड की तरफ से माननीय हीना मैडम का स्वागत करता हूँ। हीना मैडम आज आप लोग के सामने एक प्रत्याशी के तौर पर है, हम लोग को पिछले 15 साल का एक इतिहास अतीत देखना है कि सिवान का जो काम अधूरा छूट चुका था, आज 15 साल में हम लोग कितने पीछे चले गए, हम लोग ज्यादा दूरी नहीं जाएंगे, अपने पास के आस पड़ोस के जिलों को ही ध्यान में रखिएगा तो वो जिले कितने विकसित हो चुके हैं और सिवान कितने विकसित विकास के मैटर में पीछे हो गया है, उसी चीज को आगे तत्पर करने के लिए हीना मैडम आप लोग के साथ है। मैं चाहता हूँ कि एक बार पुनः उनके हाथों को मजबूत करिए और 5 साल के अंदर जो विकास होगा आप लोगों को खुद ब खुद दिखाई देगा। आगे हीना मैडम है, उनका नारा है 400, हमारा नारा है 401 का नारा, हीना मैडम 401 पार कराइए, हीना मैडम को पार्लियामेंट भेजाइए, हीना मैडम जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हीना मैडम, हम सबके लोकप्रिय प्रत्याशी मैडम हीना साहब, यहाँ की वार्ड पार्षद उर्मिला जी मंच पर बैठे, हमारी सभी बहने इस सभा में आए हुए, हमारे सभी आदरणीयगण, हमारी माताएं बहने, प्यारे बच्चों, मीडिया के भाइयों, आप सभी जानते हैं चुनाव काफी नजदीक है और हीना मैडम आपके विचार से नहीं 15 सालों से आती रही हैं, हर दुख सुख में आप सभी जानते भी हैं। मैं तो आप लोगों का आभार प्रकट करती हूँ, सिवान वासियों को, व्यवसायी भाइयों को, सिवान की एक एक जनता को,
वाले समय में हीना मैडम का भी वादा है कि ये अपने दिल में आप लोगों को बैठा कर रखेंगी। जिस तरह से अपार स्नेह प्रेम स्वागत हो रहा है हीना मैडम को, निश्चित रूप से सिवान एक इतिहास लिखने जा रहा है भारत के पटली पर। के बीच मैडम आई है और पूरा करके दिखाएंगी। पूरे सिवान में मैं जा रही हूँ, पूरे सिवान में एक ही नाम है, चारों तरफ एक ही नाम गूंज रहा है, केवल हीना 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 में सिवान हो गया है। धन है जनता, धन है सिवान के लोग, धन है सिवान के लोग भाइयों। आप लोगों से मैं यही गुजारिश बिहार का जूस है, यही हमारी बिहार की संस्कृति और पहचान है। मैडम तो ब्रांड का प्रचार हो गया मैडम, नीचे अपने जिंदगी में सुबह सुबह ही तो सत्तू को शामिल कीजिए, स्वस्थ रहिए। बिहार का पहचान है सत्तू, सत्तू बिहार का फेमस है, क्या कहेंगे मैडम, तोला जा रहा है बिहार का फेमस है सत्तू। जी हाँ, यही तो हमारी बिहार की संस्कृति। ब्रांड एम्बेसडर भी बन गई है। अगर मिट्टी से हम लोग चना उगा कर ये सत्तू बना सकते हैं तो उस मिट्टी को नमन है जिस मिट्टी के साथ हम लोग की जिंदगी जुड़ी हुई है। चलिए चलिए अरे आप लोग चलिए भाभी। सभी वासियों के तरफ से सिवान की बेटी बहू और बहन सुश्री हीना साहब का हार्दिक तहदिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरा मोहल्ला शुरू से ही बागी रहा है, सफर जो भी हो हमने हमेशा बगावत को दौर को ही देखा है। और मैं निश्चय ही कहना चाहता हूं कि हमें महिला शक्ति को मजबूत करना चाहिए। मंच पर जितने ही विराजमान हमें मातृत्व शक्ति है, सभी को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये दौर है औरत को जो मातृत्व शक्ति है उनके हाथों को मजबूत करने को, क्योंकि औरत ही है कि चाहे बेटी के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे किसी भी स्वरूप में हो, वो समाज को सुखी प्रदान करती है। और ये 3 बार की कैंडिडेट रही है। और मैं चाहूंगा कि मेरे मोहल्ले के लोग एक महिला के हाथों को मजबूत करें। एक पहले की छवि रही है, इनके सावदीन साहब से बहुत विकास किए सिवान में, सच्चाई को मैं नहीं नकार सकता हूँ, कोई भी नहीं नकार सकता है। और ये हकीकत है कि उसके बाद वो दौर नहीं आया। और मैं लोग हम लोग वो दौर देखना चाहते, वो गरीबों के मसीहा थे और गरीबों के लिए बहुत सारा काम करते थे, वो गरीबों की हक की आवाज को बुलंद करते थे और एक आवाज को, एक वोट को, राम राज में एक वोट की कीमत थी। और इसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ कि सावदीन साहब एक आवाज को चुनते थे, बाकी सारी आवाज को, एक और गरीब की आवाज उनके कानों तक पहुंचती थी तो बाकी सारी आवाजें खामोश हो जाती थी। वो गरीबों के रहबर थे, मसीहा थे और बहुत गरीबों के लिए काम भी करते थे। उनका इस बात पर ध्यान था, शिक्षा की तरफ, स्वास्थ्य की तरफ और सड़क की तरफ, बिजली व्यवस्था की तरफ, उन्होंने बहुत सारे खेल की तरफ भी हुए, उनकी बहुत सोच थी। और उनके समय में बहुत सारे आयोजन सिवान में हमने देखे थे। और मैं चाहूंगा कि वो दौर फिर से आए, सिवान में विकास हो। और हमको निश्चय करके, दृढ़ संकल्पित करके मैं आग्रह करना चाहूंगा कि हर भेदभाव जातिगत भावना को बुलाकर, मैं ये कोई राजनीतिक बयान नहीं दे रहा हूँ, ना मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं एक शुद्ध रूप से मजदूर हूँ, एक व्यवसायी हूँ।
और मेरी एक भावनात्मक अपील है कि एक बार आप लोग जात पात सब धर्म मजहब भुलाकर सुश्री हेना मैडम को हाथों का मजबूत कीजिए, इन्हें लोकसभा में भेजने का कार्य आप लोग कीजिए। ये मेरी आपसे प्रबद्ध गुजारिश है। इन्हीं को बातें रखते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।